गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से ही रहिए। चलिए, ये जो आप सामने में देख रहे हैं, ये है जेड प्लांट। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए लोग इसको अपने घरों में लगाते हैं। बट मेरा तो मानना ये है कि प्लांट सभी ही खूबसूरत होते हैं और सब सुख समृद्धि लाते हैं, तो प्लांट सभी को लगाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और ये वास्तु के हिसाब से भी और किसी भी दृष्टि से देखिए तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, देखने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। देखिए, और मेंटेन करना तो और भी इजी हो जाता है। इसका एक डाल काटिए और आप कहीं भी मिट्टी में लगा दीजिए, ये बेचारे लग जाते हैं। आपसे ज़्यादा कुछ भी इनकी डिमांडिंग नहीं होती है, बस इनको इतना ही करना है कि इनको ज़्यादा पानी नहीं देना है। इनकी मिट्टी जब भी ड्राई हो जाए तब उसमें पानी डालिए। देखिए, मिट्टी इनकी बिल्कुल ही भुरभुरी होनी चाहिए, पानी से भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। इनको ज़्यादा पानी मत दीजिए, बाकी ये बहुत ही खुश रहते हैं। जब भी देखिए कि इनकी मिट्टी ड्राई हो गई। और आपको एक चीज़ है, जब पानी इनके अंदर चाहिए ना, तो इनकी पत्तियाँ जो है वो आपको बता देगी, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो है ऐसे थोड़ी मोटी मोटी और फूली हुई होती है। देखिए, ये देखिए, लेकिन जब भी इसमें पानी की कमी होगी ना, तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल ही पतली हो जाएगी और मुरझा सी जाएंगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनको पानी चाहिए, तो आप पानी डाल दीजिए। और विंटर में तो वैसे भी पानी की बहुत कम ही डालिए, 15 डेज पर एक बार डाल दीजिए, रह जाते हैं ये। और सन लविंग प्लांट है, इनको कम से कम 3 या 4 आवर्स तो सनलाइट चाहिए ही चाहिए। मेरे यहाँ तो ये बालकोनी में रखे हुए हैं, जहाँ 1 या 2 आवर्स इनको सनलाइट मिल जाती है, मगर फिर भी ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितने हेल्दी भी दिख रहे हैं। तो ऐसा आप रख सकते हैं बालकोनी में, लेकिन हाँ, इनको ज़्यादा अच्छा आपको चाहिए तो इनको सनलाइट चाहिए, मतलब 3 या 4 आवर्स तो कंपलसरी चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर से चलते हैं। और इनको देखिए, लोग बहुत सारे टोपियारी भी बनाते हैं, मगर मुझे तो ये जैसा है वैसा ही बहुत सुंदर दिखते हैं। लोग तरह तरह का इसका टोपियारी बनते हैं, क्योंकि ये किसी भी आकार में आप ढालिएगा ना तो ये ढल जाते हैं। इसके लिए लोग इनको तरह तरह के टोपियारी बनाते हैं। देखिए, मैंने भी इनको देखिए एक बंसई बनाया है, ये देखिए ट्री का आकार दिया है, देखिए कितने सुंदर दिख रहा है। देखिए इनको, ये जो इनका तना है ना, इसको मोटा करने के लिए जब भी इधर पत्तियाँ निकले आप इसको तोड़ दीजिए, फिर ये मोटा हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये एक बंसई का रूप ले चुका है। ये देखिए, मैंने इसको बंसई बना दिया है, एकदम एक ट्री में ढाल दिया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हो गया। देखिए, ये देखिए, और इनको लगाना बहुत ही इजी होता है। देखिए, मैंने एक्चुअली, देखिए ये एक ही पेड़ मैंने लाया था, एक ही लेके आई और इसी से कट करके मैंने, देखिए आप कितना बना दिया है। ये देखिए, मेरे छत पर भी कुछ बहुत सारे लगे हुए हैं जेड प्लांट, और यहाँ भी, ये बालकोनी में भी मैंने लगा रखा है। ये देखिए, ये सकुलेंट होते हैं, इनकी पत्तियों में ही पानी होता है, इसलिए इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कम पानी दीजिए, ये बहुत बेचारे खुश रहेंगे। ये देखिए, तरह तरह का इनका शेप बनाइए। वैसे आप जैसे ही इंटर करते हैं ना, तो लोग अपने दरवाजे पर इसको लगाते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत रहता है। इसकी पत्तियाँ देखिए विशेषकर बहुत ही सुंदर सुंदर होती है। देखिए, ये देखिए, एकदम मोटा मोटा कितना सुंदर सा होता है। कटिंग करके एक प्लांट आप लाइए नर्सरी से, नर्सरी क्या कहीं भी आप जाते हैं और कहीं एक छोटी सी डाल भी ला करके काट करके डाल देते हैं,
तो ये बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और एक से आप कई बना सकते हैं। इनको मेंटेन करना बहुत ईजी है, ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं, ये बेचारे डिमांडिंग नहीं होते हैं। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है। देखिए लोग इसके बहुत सारे टोपियारी बनाते हैं। ये देखिए मैंने भी इसको एक्चुअली एक ट्री का आकार दिया है, आप छोड़ दीजिएगा तो ये इस टाइप का ऐसा गिरता रहेगा, बन जाता है, जैसे तैसे इसकी डालिंग हो जाती है। बट आप जैसा शेप देना चाहेंगे वैसा आप दे सकते हैं। मैंने इसको एक ट्री का शेप दे दिया। ये देखिए ये भी मैं भी एक बना रही हूँ, इसको जब बढ़ जाएगा तो बनाऊंगी। देखिए ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं। थैंक यू गाइस, आपको कैसा लगा जरूर बताइए।